नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे एक्साइड इंडस्ट्री शेयर प्राइस टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में, आखिर इन सालों में इस शेयर की वैल्यू कहां तक जा सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, अगर हमें किसी भी कंपनी की शेयर की टारगेट वैल्यू को निकालना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले कंपनी को जरूरी चीज़ों को देखना होगा। तो चलिए, तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको कंपनी जनरल चीज़ें वो सब दी हुई है। कंपनी जो मार्केट कैप वैल्यू 45 करोड़ की है और कंपनी अभी मिड कैप पे काम कर रही है, और कंपनी का वेबसाइट यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा कंपनी के द्वारा मुख्य रूप से जो है बैटरी के सेक्टर में काम किया जाता है, और कंपनी ऑटोमेटिक में भी काम कर रही है, मोशन में, एनर्जी सॉल्यूशन और कस्टमाइज एनर्जी सिस्टम में भी काम किया करती है। कंपनी बैटरी के सेक्टर में तो अपनी एक अच्छी पहचान बना ही चुकी है जैसा कि हम जानते हैं, पर कंपनी अब मोशन के सेक्टर में भी खुद को काफ़ी अच्छा एक्सपेंड कर रही है, जो नीचे दर्शाया गया है। तो देखिए, कंपनी जो है मोशन के सेक्टर में भी आगे बढ़ती हुई फोर्कलिफ्ट बना रही है, इन प्रोडक्ट्स में काफ़ी बड़े पैमाने पर काम कर रही है, जिसकी आने वाले समय में काफ़ी अच्छी डिमांड को देखा जा सकता है, जो भी एक निवेशकों के लिए एक के बाद हम देखेंगे पिछले 5 सालों में शेयर। तो दोस्तों, हम शेयर की वैल्यू का नेचर को, तो देखिए, अगर 20 मई 2019 को देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 220 रुपये के आसपास ट्रेड किया करती थी। फिर कंपनी में गिरावट देखने मिली, फिर बढ़ोतरी देखने मिली, फिर लगातार बढ़ोतरी देखते हुए कंपनी की जो वैल्यू है 474 तक चली गई 20 मई 2024 को। कंपनी की मैक्सिमम वैल्यू गई है 400, देख सकता है भाई, कंपनी ने पिछले 5 सालों में और 489 तक का सफ़र तय किया है, लगभग 127% का रिटर्न दिया है, जो कि वैसे तो ज़्यादा अच्छा रिटर्न नहीं कहा जा सकता क्योंकि काफ़ी बड़ी कंपनी है, पर अभी के लिए इसको एक अच्छा संकेत माना जा सकता है। इसलिए तो देखिए, यहाँ पे हमने एक प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट के लिए ब्लैक व्हाइट बोर्ड को रखा है, यहाँ पे हमने एक प्लस पॉइंट दिया है क्योंकि कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया है। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो अगर 2019 में देखिए तो कंपनी के द्वारा 14,869 करोड़ का रेवेन्यू बनाया जाता था और नेट इनकम 845 करोड़ की बनती थी। और अगर 5 सालों के बाद 2023 में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 14,000 से बढ़ के हो गया 15,000 करोड़, और नेट इनकम 845 करोड़ से बढ़ के हो गई है 822 करोड़। तो इससे कहा जा सकता है भाई, कंपनी की जो नेट इनकम है उसमें गिरावट देखी जा सकती है, पर अगर 2022 में नेट इनकम देखें तो भाई 4,366 करोड़ की कंपनी की नेट इनकम बनी है, जो कि तो आखिर भाई इसका क्या कारण हो सकता है कि कंपनी अचानक से इतनी 809 करोड़ से सीधा 4,366 करोड़ की नेट इनकम बना सकती है, वो भी हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। पर अभी के लिए इसको एक अच्छा संकेत दिया जा सकता है क्योंकि कंपनी जो है लगातार अच्छा प्रॉफिट बनाते हुए आगे बढ़ रही है, कंपनी के रेवेन्यू में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो इसको भी हम एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार, यानी कंपनी की एसेट्स जो है उसमें क्या चेंजेस आए हैं पिछले 5 सालों में। तो अगर 2019 में देखें तो कंपनी के पास 22,430 करोड़ की संपत्ति हुआ करती थी, और अगर 2023 में देखें तो कंपनी के पास 14,760 करोड़ की संपत्ति है। तो कंपनी की संपत्ति में देखिए कितनी बड़ी गिरावट देखने मिली है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता निवेशकों के लिए, तो हम इसको एक माइनस पॉइंट देंगे, जिसका कारण है कि भाई अगर कंपनी के एसेट्स में लगातार गिरावट हो रही है तो इससे कंपनी के रेवेन्यू सोर्स जो है वो भी कम होते देखे जा सकते हैं। उसके बाद है पिछले कुछ साल में कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड। तो कंपनी 2023 में डिविडेंड दिया, 22 में, 21 में, 20 में, 19 में, कंपनी लगातार अपने निवेशकों को डिविडेंड दे रही है, और यहाँ पे डिविडेंड दिए गए डिविडेंड की वैल्यू को भी आप देख सकते हो, जो कि ये भी एक अच्छा संकेत है, क्योंकि दोस्तों अगर कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है तो ये कंपनी के ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने की ओर भी संकेत करते हैं। उसके बाद है कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो सबसे पहले आता प्रमोटर होल्डिंग, कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग, कंपनी अपने शेयर की लगभग 46% की होल्डिंग अपने पास रखी है, जिसमें से इस होल्डिंग को किसी भी प्रकार से बैंक में गिरवी नहीं रखा गया, पूरी तरह से कंपनी के पास रही हुई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। म्यूचुअल फंड के द्वारा 13% की होल्डिंग है, जो कि एक अच्छा संकेत है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो भारत के बड़े इन्वेस्टर हैं, उनके द्वारा 5.34% की होल्डिंग, ये भी एक अच्छा संकेत है। विदेशी इन्वेस्टर कंपनी में 13% रहे हुए हैं, ये भी एक अच्छा संकेत है। रिटेल इन्वेस्टर कंपनी में 21% रहे हुए, ये भी एक अच्छा संकेत है। दोस्तों, अगर ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो ये काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है, क्योंकि कंपनी में बड़े इन्वेस्टर काफ़ी अच्छी मात्रा में रहे हुए हैं, और सेकंड ये भी कि भाई कंपनी में किसी भी प्रकार से अपने शेयर को बैंक में गिरवी नहीं रखा गया, तो इसको भी हम एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं। तो अभी हम प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट को कंपेयर करें तो इसमें भाई हम 4 प्लस पॉइंट देखने मिले और 1 माइनस पॉइंट देखने मिला, क्योंकि कंपनी की संपत्ति में गिरावट हो रही है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको इसमें निवेश करने एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इसके अलावा हमें जैसे जैसे अपडेट मिलती रहेगी हम आपके साथ भी अपडेट करते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।